श्रीलंका आर्थिक संकट के बीच गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यहां जगह जगह दंगे हो रहे हैं। सेना को जनता के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया गया है। इस बीच श्रीलंका में नए पीएम का ऐलान हो गया है। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया पीएम बनाया गया है। इससे पहले गुरुवार को श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने उनके बेटे और 15 अन्य लोगों के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया। पिछले हफ्ते कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए थे। इसकी चल रही जांच को लेकर ये रोक लगाई गई है। बता दें कि महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया गया था। इस हमले के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारी देश में आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी के चलते राजपक्षे परिवार की अगुवाई वाली सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।